नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हाउ टू मेक स्टडी रूटीन फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। स्टडी रूटीन आखिर हम कैसे बनाएं ताकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट अचीव कर पाएँ। तो उसके लिए पहला जो काम होता है कि फाइंड आउट योर एक्स्ट्रा वर्क। जितना भी आपका एक दिन में एक्स्ट्रा वर्क होता है पढ़ाई से छोड़ करके, जैसे कि फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब चलाना, जितना भी एक्स्ट्रा वर्क है, क्लीन करना, साफ़ सफाई करना, घर का कुछ सामान लाना, उन सारे को पहले आप मैनेज कीजिए। जब तक आप उनको मैनेज नहीं करेंगे तब तक आपका स्टडी आप मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उनके लिए आप एक टाइम एकदम फिक्स कर दीजिए, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। देन उसके बाद जो टाइम बचे उसमें अब आपको अपने स्टडी के लिए टाइम अलॉट करना है। तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि आपके पास कितना सब्जेक्ट है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी एग्ज़ाम में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप टेंथ में हो, ट्वेल्थ में हो या फिर और किसी एग्ज़ाम में, तो अगर आप अपने मन से पूछिएगा कि मुझे इस एग्ज़ाम में कितना स्कोर करना है, तो सब कॉन्शियस माइंड के तहत हमारा दिमाग हमें एकदम एग्जैक्ट फिगर बताता है, ठीक है। अगर कोई आदमी एक साल तक पढ़ाई किया हुआ है तो उसका दिमाग बोलेगा 90% स्कोर करना है मुझे, और किसी का बोलेगा मुझे 60 और किसी का बोलेगा मुझे 73। तो सब कॉन्शियस माइंड वो सारा कुछ जानता है और वो हमें एग्जैक्ट फिगर बताता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है और हम कितने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। जब ये चीज़ पता हो जाए कि आपको 73% लाना है, तो फिर आप अपने आप से आप सवाल पूछिए कि मैं 73% लाने के लिए क्या करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, मुझे कौन से बुक से मुझे कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कौन सा स्ट्रेटजी प्लान मैं अपनाऊँ जिससे कि मैं 73 तक पहुँच पाऊँ। उन सारे को कॉपी में लिख करके एक सॉलिड प्लान बनाइए। मान लीजिए कि अगर आज का दिन में आपका कोई भी पढ़ने का प्लान नहीं है, तो कल का जो आप प्लान बनाइए, सबसे पहले आप एक दिन का आपको प्लान बनाना है। उस एक दिन के प्लान में आपको 2 घंटे से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 2 घंटे बैठेंगे तो पूरा दिन तो खत्म हो जाएगा, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन आप 2 दिन से ही स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपने आज ही अगर हार्ड रूटीन बना लिया, 6 घंटे अगर आज ही आप पढ़ डालें, तो कल का पूरा दिन चौपट हो जाएगा। फिर पूरा का पूरा आप गैप ले लोगे, पूरा का पूरा छुट्टी ले सकते हो। इसकी वजह मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो अगर आज 1 भी घंटे नहीं पढ़े, तो सबसे पहले आप कल का प्लान बनाइए कि मुझे कल 2 से 3 घंटे किसी भी हालत में मुझे पढ़ना है। कल का जब प्लान पूरा हो जाए तो रात में अगले दिन का प्लान आपके हाथ में होना चाहिए, या फिर आपके पॉकेट में, या फिर आपके बेड के पास होना चाहिए, या फिर आपके स्टडी टेबल पर। और जब भी रात में जैसे कि आपने एक पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में जो प्लान बनाया, उसमें सारा अगर चीज़ आपने फुलफिल कर लिया, तो आप अपने आप को एक शाबाशी दीजिए कि मैंने आज कल से अच्छा किया, ठीक है। और हैप्पी फील कीजिए उस समय, और फिर अपने आप से बोलिए कि मैं आज इतना घंटा पूरी रूटीन से पढ़ा हूँ, कल मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करूँगा। फिर नेक्स्ट डे का आप प्लान कीजिए। रात में जब आप प्लान करने बैठिए, तो जैसे कि आज आपने 3 घंटे पढ़ा, कल मुझे 4 घंटे का टारगेट लेकर चलते हैं। और जो कोई भी परेशानी आ रही है पढ़ने के दौरान, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्क का थॉट आ गया, परिवार में कोई आ गया, कोई सामान लाने जाना पड़ा, जितना भी एक्स्ट्रा वर्क है ना, फिर वो नोट कीजिए कि कहाँ आप मिस कर रहे हो, ठीक है। और देन उन सारे चीज़ों को आप एक टाइम अलॉट कर दो, और एक्स्ट्रा वर्क का काम आप उसी टाइम के अंतर्गत कर लो। और जब कभी भी आपको ये अनुभव हो कि एक्स्ट्रा वर्क पढ़ने के दौरान मुझे पिन पॉइंट कर रहे हैं, मतलब कि बार बार उनकी याद सता रही है कि मुझे झाड़ू लगाना था, बेड में झाड़ू नहीं लगा पाया,
तो इसके लिए आपको डायरेक्ट उसी समय आप ब्रेक लीजिए और 15 मिनट के अंदर अंदर वो जितना भी काम है जो आपको उस समय पिन पॉइंट कर रहा है उसे जल्दी से हटा दीजिए, नहीं तो वो आपका पूरा का पूरा आने वाला जो 4 घंटे का आपका रूटीन है पूरा चौपट कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि आपने इस प्रकार से अब एक रूटीन बना लिया, तो स्टार्टिंग में आपको एक एक दिन का रूटीन बनाना है, वो चलेगा आपका 1 सप्ताह तक। ठीक है, उसके बाद रूटीन बनाने के साथ हमेशा आप दिमाग में अपनी एक बात रखिएगा कि आपके पास 24 घंटा नहीं है, एक दिन में कुछ गिने चुने ही घंटे होते हैं 4 से 5 घंटे स्टडी के लिए। ठीक है, तो दिमाग में ये मत रखिएगा कि हमारे पास पूरा का पूरा दिन है तो हम पढ़ाई जो है वो 12 बजे दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। नहीं, सुबह जब भी उठें 6 बजे उठें 7 बजे उठें वहीं से आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है, सुबह में चूँकि ज़्यादा समय होता है, 4 से अगर मान लीजिए कि 4 बजे नहीं उठते तो 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक नहीं होता, 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक, पहले वाले दिन से तो कुछ तो आप अच्छा करोगे। ठीक है, तो जैसे ही 1 सप्ताह का जैसे कि आपका प्लान एग्जीक्यूट हो गया, पूरा आपने उसको कवर कर लिया, देन उसके बाद आप एक नया शीट लीजिए और अगले 1 सप्ताह का प्लान बना लीजिए। आप एकदम 1 सप्ताह का बना लीजिए कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, और एक मतलब कि वो ऐसा प्लान बनाइए जिसमें आप आगे 1 सप्ताह तक उस पर स्टैंड कर सकते हो। जब ये बात हो जाए देन उसके बाद आपको 2 सप्ताह 3 सप्ताह और फिर इस प्रकार से इस चीज़ को आपको मंथ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जब कभी भी एक्स्ट्रा वर्क हो, एक्स्ट्रा वर्क ही हमें टॉर्चर करती है, हमारे रूटीन को कौन तोड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क जैसे व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, यही सब। और एक चीज़ आप अपने जब आप रूटीन को फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को फेस करो, जब भी आप पढ़ने बैठोगे कुछ भी अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा भी बोरिंग फील आप अगर हुए तो आपका मोबाइल अगर हाथ पे गया, आपका हाथ अगर मोबाइल पर गया तो बस वहीं पे रुक जाना। ठीक है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन ज़्यादा समय तक प्रेशर झेलने का आदि नहीं होता है, जैसे भी थोड़ा हमें प्रेशर मिलता है ना तो हम उसकी ओर भागते हैं जिधर थोड़ा सा जिसमें हमें खुशी मिलती है। तो अगर ये हाथ मोबाइल पर गया और जहाँ आपने फेसबुक यूट्यूब चलाया, पूरा का पूरा आपका रूटीन ख़त्म। और जब एक बार रूटीन बिगड़ गया एक दिन में तो फिर आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको गाली देना स्टार्ट कर देगा कि तूने तो आज रूटीन पूरा किया ही नहीं, और मात्र उसकी वजह से आपका हाथ मोबाइल पर जाने की वजह से जो नेक्स्ट का पूरा दिन का रूटीन है पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। फिर आपको 4 बजे लगेगा कि नहीं थोड़ा सा सोचते हैं, इस रूटीन में मॉडिफाई करते हैं और फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और इस प्रकार से पूरा का पूरा रात आ जाता है और खाना खा लेते हैं हम लोग और देन खाना खाने के बाद सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं तो हमें अफसोस होता है कि कल हमने ये काम क्यों नहीं किया, देन उसके बारे में सोचते हैं। तो आप ये सब मत कीजिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही है कि जब कभी भी प्रेशर फील करें और मोबाइल आपका जो हाथ है वो मोबाइल पर जाए, देन उसी समय आप आपको रोक लीजिए, आप अपने को समझाइए कि मैंने अपने मोबाइल के लिए 1 से 2 का बीच का जो टाइम सेट किया है उसी में मैं इस पे 100% अपना दूंगा, इसको मैं 100% में आज पूरी तरीके से चलाऊँगा, लेकिन उसी टाइम पीरियड में, और जो अभी का आपका टाइम पीरियड है आप उसमें मैं 100% पढ़ूँगा। उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि जब आप 2 घंटे का अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका माइंड बोलेगा कि अरे मैंने तो आज इसको फॉलो कर दिया, चलो इसको एक दिन में 4 घंटे बढ़ा दिया जाए, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, 4 घंटे में अगर कर दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा कि अरे नहीं मुझे तो इंटरटेनमेंट भी करना है, क्योंकि आप एक बात मान लीजिए पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ ज़रूरी होता है, चाहे वो इंटरटेनमेंट का हो, एक्स्ट्रा वर्क का हो, फैमिली से बात करना हो, दोस्तों से, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी तो हम लोगों का सब कॉन्शियस माइंड, अगर हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो पिन पॉइंट करता है कि अरे तुम्हें ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। सब कॉन्शियस माइंड हमारा हर चीज़ जानता है हमारे बारे में, ठीक है, कि तुम्हें इतना भी टाइम देना है। ठीक है, और वो हर चीज़ पहले ही उसका फिगर पता लगा लेता है। तो बार बार अपने आप से नॉर्मल रूप से आप सवाल पूछिए जब कभी भी फंसी अपने रूटीन में, और फिर आगे बढ़िए।
ठीक है। रूटीन बार बार हो सकता है आपको बनाना पड़े, बार बार मिटाना पड़े, लेकिन आप ये एक बात समझ लीजिए, रूटीन में जितना बार बनाइएगा वो रूटीन आपका दिन प्रतिदिन परफेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।